भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक की पत्रकार वार्ता। धर्म की आड़ में अपने पाप न छुपाएं, धर्म पाप और पुण्य का न्याय करता है। कमिश्नर को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने याद दिलाए सर्विस रूल। नर्सिंग घोटाले पर आंदोलन और तेज होगा अभियान, किसी भी कीमत पर मुद्दे को भटकने नहीं देंगे। सुंदरकांड के नाम पर बवाल करना भाजपा की चाल, धर्म की ओट में दोषियों को बचाने की कोशिश जारी। पुलिस थाने में बगैर अनुमति भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निजी आयोजन किए जाने के संबंध में जिम्मेदार थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस आयुक्त भोपाल को सौंपा ज्ञापन। राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा से मुलाकात कर सर्विस नियमों का उल्लंघन करने वाले अशोका गार्डन थाना प्रभारी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर लौटे ही है कि सारे चैनलों पर ये चलने लगा कि कांग्रेस सुंदरकांड का विरोध कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म की आड़ में अपने पापों को छुपाने की कोशिश ना करें लोग, क्योंकि धर्म की आड़ में पाप छुपते नहीं हैं। धर्म पाप का पुण्य का सही न्याय करता है। दूसरी बात, जो कमिश्नर को हम लोगों ने बात कही है वो ये कही है कि जो सर्विस कंडक्ट रूल है, जो नियम प्रक्रिया है प्रशासनिक, वो ये है कि किसी भी शासकीय परिसर में आप किसी तरह का निजी आयोजन नहीं कर सकते। और हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को जाकर ये मेमोरेंडम दिया कि पूरे के पूरे शासकीय परिसरों का बीजेपी निजीकरण कर रही है, अपने निजी संपत्ति की तरह उसका उपयोग कर रही है। जिस दिन हम लोग थाने पर FIR करने गए, बीजेपी के कार्यकर्ता का थाने में जन्मदिन मनाया जा रहा था और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने सुंदरकांड का पाठ रखा था। अब मुझे एक चीज बताइए, सुंदरकांड की तो आड़ ली गई उन्होंने, सुंदरकांड का तो पर्दा डाला, लेकिन उनका उद्देश्य था कि जैसे ही हमारा प्रतिनिधि मंडल थाने पर आए उस समय वो उसका विरोध करे, और ऐसा हुआ। उन लोगों ने जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, रामायण को एक तरफ रख दिया, उल्टे सीधे नारे लगाने शुरू किए, और एक दृश्य तो ये देखा कि उनमें से जो सुंदरकांड करने वाले लोग थे उसमें से एक व्यक्ति ने उठकर एक जूता फेंका जो कांस्टेबल के गाल में जाकर लगा। सुंदरकांड पढ़ने के बाद इतनी भी सद्बुद्धि नहीं आई कि कैसा आचरण और कैसा व्यवहार करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर नर्सिंग के मामले से ये ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। हमारा आंदोलन और तेज होगा, पूरी ताकत पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ आगे बढ़ेगा। अब ये आंदोलन कॉलेजों में होगा, छात्रावासों में होगा, और जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिजन बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शामिल होंगे। मैं बीजेपी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हर बात में ये धर्म का पर्दा डालना बंद करें। इनकी इन्हीं हरकतों के कारण ये प्रयागराज में चुनाव हार गए, चित्रकूट में चुनाव हार गए, बद्रीनाथ में चुनाव हार गए, और ये अयोध्या में चुनाव हार गए। भारत के जितने भी शीर्षस्थ श्रद्धा और विश्वास के केंद्र तीर्थ स्थान हैं, सब में बीजेपी की पराजय हुई है। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये गोरख धंधा बंद करें और जनता की भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों के साथ उनके रोजगार, उनकी शिक्षा, महंगाई, खेत खलिहान और किसानों को स्पर्श करती हुई समस्याओं को एड्रेस करें, फोकस करें।
नहीं तो अब की बार उनका और भी बुरा हाल होने वाला है इस देश में। थैंक यू।